हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप कि बहुत बढ़िया होंगे ना। तो बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे न्यू चैप्टर, और वो था क्या? ड्यूअल नेचर मॉडर्न फिजिक्स। ड्यूअल नेचर चल रहा है हमारा, और ड्यूअल नेचर में पार्टिकल नेचर चल रहा है, और पार्टिकल नेचर को सबसे पहले जिसने प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली, वो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारा वही चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर एक्सपेरिमेंट है, प्रूफ है लाइट के पार्टिकल होने का। मतलब लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, उसमें से पार्टिकल नेचर होने का एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रूफ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे कैरी करते हैं। और कैरी करने से पहले हम आपको एक बढ़िया सा चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, और उसके बारे में अगर हम जान लेते हैं ना, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बोलो ना। हाँ हाँ, तो चलते हैं आगे। ठीक है, वो टर्म कुछ और नहीं, बहुत जाना पहचाना है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं उसी के बारे में। उसका नाम है फोटोन। क्या नाम है? फोटोन। तो फोटोन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फोटोन्स याद होगा, क्वांटा या फोटोन्स, ये लाइट का जो है डिस्क्रीट फॉर्म, मतलब ऐसे से पैकेट की फॉर्म में, मतलब पार्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, फोटोन्स के बारे में एकदम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। फोटोन्स को जान लेंगे ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आएगी, क्योंकि सारा खेल फोटोन्स का ही है, लाइट का ही है ना। फोटोन्स आया है फोटोवर्ड से, और ये होता है क्या? इट इज ए डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और पार्टिकल ऑफ लाइट विच कंसिस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यूं समझे ना, फोटोन्स को ना अभी से तुम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी समझो। मतलब होली में जो हम छोटे छोटे गुब्बारे में, एकदम छोटा छोटा गुब्बारा में रंग भरते हैं ना, उस पैकेट को समझो कि वो फोटोन है। और उसके अंदर जो कलर्ड है ना, रंग है ना कलर्ड, वो एनर्जी है, ये समझ लेना अभी से। ठीक है, और मारेंगे उसको। हाँ, तो उसे कंसिस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ एनर्जी, ये है फोटोन्स। ठीक है, अब एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू, ये होता है बच्चों, इक्वल टू एच न्यू, ये होता है, हम लास्ट क्लास में इसकी बातें भी बता चुके हैं। ये होता है एच न्यू, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो कि लाइट से ही बना है, फोटोन, राइट। तो ये एनर्जी होती है, अगर शॉर्टकट देखें इक्वल टू, इसको थोड़ा सा, तो एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, बोलो ना। हाँ, इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको शॉर्टकट में अगर यूज करें तो एच का वैल्यू 6.625 × 10⁻³⁴, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ बाय लैम्डा ना। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तुम भी करके देख सकते हो, तो ये शॉर्टकट हम लिखते हैं इसको 124000। डबल जीरो लेते हैं तो इसको लेते हैं एंगस्ट्रम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे लैम्डा भी लेते हैं एंगस्ट्रम में। ठीक है बच्चों,
लेकिन मेरी एक बात मानो कि ये क्वेश्चंस जब भी पूछा जाएगा ना इससे रिलेटेड, वो हमेशा वेवलेंथ जो होता है ना वो एंगस्ट्रम में नहीं, नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर मतलब 10^-9 मीटर वेवलेंथ वाली, ठीक है। तो हम इसे शॉर्टकट में ऐसे यहां से एक जीरो हटा देते हैं तो 1240, ठीक है, बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। अरे बोलो ना, हाँ, तो ये यहां से एनर्जी का यहां से डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें नैनोमीटर वाले फॉर्म में, ओके, ठीक है। और इसको एंगस्ट्रम में ही रहने देंगे ऊपर, ठीक ना। तो इससे हम लोग एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं। कुछ बातें बताते हैं अब यहाँ पे, ये चीज आप नोट करें, और फोटॉन्स के बारे में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने में मदद करेगा उस चीज के बारे में हम बताते हैं। जल्दी से कॉपी करो बच्चों। हो गया, बोलो ना। तो अब हम लोग कुछ बातें पढ़ते हैं फोटॉन्स के बारे में। तो हमने देखा कि फोटॉन्स का जो एनर्जी होता है वो होता है एच न्यू, और बोला कि जब भी मैं फोटोन कहूं तो तुम समझना होली में वो छोटा 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 बड़ा हुआ गुब्बारा कलर का, ठीक है। तो फोटॉन्स अगर ऐसा है ये गुब्बारा, ठीक है, ये फोटॉन्स है, ये क्या है, पैकेट ऑफ कलर, ठीक है। होली में जो ऐसे लिखना है, होली में जो छोटा छोटा गुब्बारा होता है। अरे यार लिखने में क्या, हिंदी में लिखे अंग्रेजी में, फिजिक्स समझनी है ना हमें। गुब्बारा भरा हुआ, ठीक है। तो इसमें इसमें कलर्ड है, इसमें रंग है, इसमें पैकेट ऑफ कलर है, और इसको फिजिक्स, जिसे फिजिक्स कहता है, क्या फिजिक्स में इसे हम कहेंगे क्या, फोटोन, क्या कहेंगे, फोटोन, ठीक है। अब इसमें एनर्जी कितनी होती है, फोटोन्स में एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, ओके, ठीक है। तो अगर ये है साइज गुब्बारे का, ये है साइज गुब्बारे का, ये है साइज, फिर ये है साइज, ठीक है। अगर ये गुब्बारे का साइज है तो इसमें रंग कम होगा, मतलब एनर्जी कम होगी, इसमें रंग ज्यादा होगा मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें रंग और ज्यादा होगा मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें कलर और ज्यादा रंग होगा मतलब एनर्जी और ज्यादा होगी ना। तो यहां पे इसका जो एनर्जी होगा उसे मान लेते हैं E1, यहां पे मान लेते हैं E2, यहां पर मान लेते हैं E3, और यहां पे मान लेते हैं E4। तो सिंपल सा दिख रहा है कि सबसे ज्यादा रंग किसमें है। ऑब्वियसली हम यहां से एकदम कह सकते हैं कि E4 में सबसे ज्यादा है, फिर E3 में, ठीक है, फिर E2 में, और सबसे ज्यादा कम है E1 में। और एनर्जी अभी हम बताएं बच्चों की एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब है कि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी, इसे इसका फ्रीक्वेंसी, ये इस तरह से ऑर्डर आ गया ना। मतलब बच्चों एनर्जी अगर ज्यादा है किसी एक फोटॉन्स का, एक फोटॉन्स में का अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो फोटॉन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये हम कह सकते हैं बच्चों, ये छोटी छोटी बात बहुत मोटी बात है, मतलब यहां अगर हम इस तरह से जानना स्टार्ट कर देना तो विश्वास मानो कभी भी गलती नहीं कर सकते हम इस ड्यूअल नेचर में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो यूं इस तरह से समझे, हाँ, अगर मान लो बच्चों फ्रीक्वेंसी किस कहीं लाइट का फ्रीक्वेंसी को अगर कांस्टेंट रखता है, फ्रीक्वेंसी को अगर कांस्टेंट रखता है, इसका मतलब है फोटॉन्स का जो एनर्जी है वो सेम साइज का है, ऐसे बिल्कुल ऐसा है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब मींस एनर्जी कांस्टेंट मतलब क्या, एनर्जी कांस्टेंट,
ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v1 v2 v3 v4 नहीं पहले v नहीं, e1 e2 e3 e4 e5 ठीक है, मतलब इनकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल इक्वल है, इनकी एनर्जी इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं क्या, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल ही इक्वल है, v1 इक्वल टू v2 है, इक्वल टू v3 है, इक्वल टू v4 है, इक्वल टू v5 है, इनकी एनर्जी सेम है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मतलब इनकी एनर्जी भी कांस्टेंट। अब इसके टर्म में अगर आप नोट कर लें, ये आपको दो मिनट पॉज करके नोट कर लो ना, कर लिए ओके। अब हम बताते हैं बच्चों, अगर इंटेंसिटी हमें बढ़ानी हो, और अक्सर ये केस मिलेंगे, ये केस लेंगे हम लोग अक्सर, ठीक है, तो अगर हमें इसमें इंटेंसिटी को बढ़ानी हो, अगर इंटेंसिटी बढ़ानी हो हमें, तो क्या करेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, राइट। तो मान लो ये एरिया है कोई सरफेस एरिया, ठीक है, यहां पे इंटेंसिटी ऐसे ऐसे, ये अभी इंटेंसिटी, ये ऐसे फोटॉन्स गिर रहे हैं, ऐसे फोटॉन्स गिर रहे हैं, और इनकी इंटेंसिटी मान लो आई, ठीक है, तो ये आई इक्वल टू हो गया एनर्जी, तो एनर्जी कौन सा, यहां टोटल एनर्जी, इस पूरे सरफेस में जितनी एनर्जी गिर रही है, इस टोटल सरफेस में जितनी एनर्जी गिर रही है, ठीक है, ये टोटल एनर्जी, ये है आई ई टोटल, टोटल समझने की कोशिश करना, ये टाइमिंग, टाइमिंग होता है, पावर होता है टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर हमें इंटेंसिटी बढ़ानी हो, इसको बढ़ाने के लिए दो चीज कर सकते हैं हम, इंटेंसिटी को, आई को बढ़ाने के लिए या तो एनर्जी टोटल को, टोटल एनर्जी को बढ़ा दे, या फिर पहला ही दूसरा, या तो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम एरिया घटा दें, ये कर सकते ना। अब सवाल ये है कि हम एरिया घटा सकते नहीं है, क्योंकि जो मेटल प्लेट हम एक्सपेरिमेंट में लेने वाले हैं, उसका मेटल प्लेट को बार बार नहीं बदलेंगे। हाँ, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस टर्म को यूज कर सकते हैं, एनर्जी टोटल को बढ़ा सकते हैं, एनर्जी टोटल को घटा सकते हैं। अब एनर्जी तो अगर फ्रीक्वेंसी आने वाला रेडिएशन इंसिडेंट रे का, जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये अगर कांस्टेंट है, इट मींस क्या कि एनर्जी फोटॉन्स का कांस्टेंट है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी फोटॉन्स का कांस्टेंट है, जब एनर्जी कांस्टेंट है तो ये ई टोटल कैसे बढ़ाए। तो बच्चों ई टोटल बढ़ाने के लिए क्या होगा, आई इक्वल टू ई टोटल, ये फॉर्मूला होता है बाय एरिया, एरिया को हम छेड़ नहीं सकते, ई टोटल को हम बढ़ा घटा सकते हैं, कैसे, तो ये एनर्जी किसका है, फोटॉन्स का, जो लाइट से आ रहा है फोटॉन्स, उसका एनर्जी है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, वन फोटॉन, ठीक है, और इसे नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स को, मान लो पहले पहले कितने थे, पांच आ रहे थे, मान लो पहले पांच आ रहे थे, ठीक है, अब देखो बच्चों इसी इतने ही एरिया में, इतने ही एरिया में हम इसके नंबर जो फोटॉन्स गिर रहे हैं, इस फोटॉन्स को इंक्रीज कर देते हैं इतने ही एरिया में, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर देते हैं ए, तो ये इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब हम इस चीज को लिखने वाले हैं यहां पे, तो इसको मिटाओ बच्चों, होप कि आपने कर लिया होगा, या फिर हाँ इसको ही मिटाना होगा, होप कि आप इसे कर लिए होंगे। और अब मतलब ये है कि ऑन इंक्रीजिंग number of photons intensity
विल इंक्रीज या इसका हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं या इसका वर्सा भी कह सकते हैं. ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी किसका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो लाइट आ रहा है लाइट का ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया फॉलिंग पर यूनिट एरिया इंक्रीज. ठीक है, और ये नंबर ऑफ फोटोन है यहां पे n इक्वल टू n है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन यहां पे. ठीक है, इस चीज को आप जल्दी से एकदम समझें, चीजों को कॉपी करें बच्चों, बहुत अच्छी चीजें आप पढ़ पा रहे हैं. ठीक है, दिख नहीं रहा था उधर. हो गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n क्या है, n हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स, e क्या है, तो यहां e टोटल नहीं, e एनर्जी ऑफ वन फोटोन. ठीक है, और a क्या है, एरिया ऑफ मेटल प्लेट या जो भी प्लेट लेंगे हम उसका एरिया. और I क्या है, I तो इंटेंसिटी है, आप ऑलरेडी जान रहे हैं I इंटेंसिटी है. ठीक ना, और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. हो गया, तो होप कि आप यहां पे एक चीज सीखे होंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया बढ़ता है, राइट. जबकि क्या कांस्टेंट रखे थे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब साइज फोटॉन्स का, वो कलर का पैकेट होली में वो कांस्टेंट रहता है. तो ये सारी चीजें हम लोग जान गए. और यहाँ पे डायग्राम अगर आप बनाए होंगे, ये अगर डायग्राम बनाए होंगे तो आप इसे बड़े अच्छे से कह सकते हैं क्या, इसको नाम दे दो यार आई वन, और इसे नाम दे दो आई टू, और यहाँ पे लिख दो आई टू इज ग्रेटर देन आई वन. हाँ, हो गया. तो फोटॉन्स के बारे में हम अब ये चीज पढ़ लिए इंटेंसिटी से रिलेटेड, अब फोटॉन्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, फोटॉन्स क्या होता है ये तो जान लिए, अब क्या क्या करता है ये उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. थोड़ा ना हम एकदम इजी वे में चल रहे हैं और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आई चीजें, इसलिए थोड़ा नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ जाएगा, वरना ये 3 लेक्चर का चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. थोड़ा सा हम चैप्टर बढ़ा, 2 लेक्चर बढ़ जाएगा क्योंकि चीजों को डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं एकदम समझा के, क्योंकि दूर होना तो हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि पता नहीं तुम समझ पाए या नहीं, इसलिए हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा लंबा खींच रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फोटॉन्स से और इसके बारे में जानते हैं. चलो, फोटॉन्स पहला पॉइंट, फोटॉन्स हैज
डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड मोमेंटम, डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड बिहेव एज, एंड बिहेव्स एज अ पार्टिकल, बिहेव एज अ पार्टिकल, ठीक है। पहला पॉइंट, अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इसका कितना होता है, एच न्यू कितनी बार बताऊं, और मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है पी इक्वल टू एच बाय लैम्डा। अरे समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी इस चैप्टर के बाद हम लोग मैटर वेव पढ़ेंगे, मैटर वेव में हम आपको बताने वाले हैं ये पी इक्वल टू एच बाय लैम्डा के बारे में, ठीक है। पी इक्वल टू ये हो गया मोमेंटम, और एच न्यू हो गया क्या, एच न्यू हो गया बच्चों एनर्जी, राइट, ओके। अब यहां पे जो है बच्चों वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब हुआ बच्चों, बताए थे ये भी बताए थे, 10^-19 जूल, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अगर वन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मतलब किलो, तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10^-19 किलो का मतलब 10^3 जूल, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 × 10^-16 जूल, ये हो गया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा का मतलब होता है 10^6, ठीक है, तो हो जाएगा 1.6 × 10^-9 इंटू मेगा, मेगा का 10^6, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों 1.6 × 10^-13 जूल, ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब यूनिट है, आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो पार्टिकल, ये पहला पॉइंट हो गया फोटॉन्स के बारे में। अब फोटॉन्स के बारे में दूसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट के लिए हमें इसको मिटाना होगा, और अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग फोटॉन्स के बारे में जानेंगे। तू ही है माता, तू ही पिता है। फोटॉन्स के बारे में दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट जानते हैं हम फोटॉन्स के बारे में, ठीक है। पहला तो जान गए, एक डेफिनेट एनर्जी होता है और एक उसका मोमेंटम होता है, हाँ, पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है भी ना, इसीलिए तो पार्टिकल नेचर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दूसरी चीजें हम जानते हैं फोटॉन्स के बारे में, कि ये जो होता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ये चीज देखा गया कि ये मास, इसका जो रेस्ट मास होता है, तो ये कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मास के फॉर्मेट में ये कुछ पार्टिसिपेट अपने आप को नहीं करता है, कुछ खास नहीं करता है, इसलिए रेस्ट मास इसका जीरो। ये साइंटिस्ट ने एजम्पशन लिया, माना कि फोटॉन्स जो है, जो अभी पढ़ा रहे ना, ये सब एजम्पशन है, ये मान के चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सारे चीजें जो है एजम्पशन, इन्हें मान के करेंगे कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज जीरो, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट फिर है फोटॉन्स के बारे में, कि इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल। फोटॉन्स क्या है, चार्जलेस है, न्यूट्रल है, ठीक है, एंड इज नॉट डिफ्लेक्टेड in the presence of electric and magnetic field। फोटॉन्स जो होता है,
वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और ये जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में घबराता नहीं है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि फोटॉन्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट का जो ये पार्टिकल, देखो ये देखिए, अभी हम पैकेट बताए, ये पार्टिकल भी है लेकिन ये कॉर्पस्कल्स नहीं है। न्यूटन साहब ने जो कॉर्पस्कल्स का नाम दिया था, ये कॉर्पस्कल्स नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ वैसा ही है लेकिन कंप्लीट कॉर्पस्कल्स नहीं है, क्योंकि कॉर्पस्कल का थ्योरी एक्सप्लेन, बहुत चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो विद द फोटॉन्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, अब थोड़ा सा कम होता है बट हम ऑलमोस्ट इसे ही मानते हैं। कितना? तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है लाइट की और ये स्पीड है फोटॉन्स की। ओके, एक और पॉइंट जो हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं वही चीज, ऑन इंक्रीजिंग intensity of light means या it implies in increase in number of photons। एकदम ये चीजें अभी हम आपको डिस्कस कर दिए है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इस चीजों को अभी जस्ट हम आपको क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को, जो पॉइंट प्रूफ करता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। ठीक है, यहीं पे हम चाहते हैं वो प्रूफ कर दें। बच्चों, there is no time length between incident of photon and ejection of इलेक्ट्रॉन। पता नहीं समझ में आया या नहीं, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं समझ पाए या नहीं। ठीक है, हम बताते हैं तुम्हें बच्चों, इसको थोड़ा मिटाओ क्या, क्योंकि ऊपर से सब चीज तो हम जान लिए। कुछ कुछ फोटॉन्स के पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ये फोटॉन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको अपना टाइम, पर्टिकुलर टाइम दे दिए। ओके, मान लो बच्चों क्या कि एक मेटल प्लेट है, थोड़ा सा ये मेटल प्लेट है या इसको ना फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट कहते हैं। क्या? फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। अब फोटो सेंसिटिव क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर ठंडा पानी पी लिए तो सर्दी हो जाएगी, धूप में निकल गए तो भी सर्दी हो जाएगी, लू मार देगा, बुखार हो जाएगा। मौसम के चेंज होने पर कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, उसी तरफ मेटल, जो ये मेटल यहां पर यूज होना होगा ना इस एक्सपेरिमेंट में, वो फोटो सेंसिटिव हो, मतलब जैसे ही लाइट आए तो उसमें कुछ कुछ होने लगे। ठीक है, जैसे ही ये लाइट के प्रेजेंस में आए कुछ कुछ होने लगे, समझ गए? जैसे हम भी कभी कभी किसी के पास चले जाते हैं ना तो कुछ कुछ होने लगता है, हाँ समझे? तो कुछ कुछ होता है। उसी तरह इस प्लेट को, मेटल प्लेट को अगर लाइट के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो कुछ कुछ होने लगता है।
ठीक है, इसी को कहते हैं फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट, ठीक ना। अब यहां पे जैसे ही लाइट, लाइट मतलब फोटोन्स, लाइट मतलब फोटोन्स, अभी यही चीज पढ़ा रहे हैं तो भूलना नहीं, लाइट मतलब फोटोन्स, फोटोन्स मतलब पैकेट ऑफ गुब्बारा का पैकेट ये, और ये फोटोन है ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तेज स्पीड होने के कारण ये दिखता नहीं है हमें ना। तो यहां पे गिरा और इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे गिरा और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हुआ, तो ये टाइम जो है टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग। नो टाइम लैग का मतलब है कि ये टाइम जो लगता है ना ऐसा होने में, ये कांड होने में, ये ऑलमोस्ट 10^-9 सेकेंड लगता है, ये इतना कम सेकेंड लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रूफ करता है कि फोटॉन्स जो है पार्टिकल है, क्योंकि पार्टिकल पड़ता है और वहां से, जैसे मान लो कि इसको मारते हैं हम एक दीवार पे, ऐसे मारते हैं तो वहां से दीवार में जो चूना होता है, पेंट डेंट पेंट, वो तुरंत से निकल जाता है क्या? ठीक है, जबकि पानी मारेंगे तो नहीं निकलेगा, मतलब पानी मारेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ऐसे बॉल, एक बॉल क्रिकेट बॉल अगर मारते हैं दीवार में, तो वहां का जो चूना है, वहां का जो पेंट है, वो लेकर निकल जाता है, जो दिखाता है कि बॉल एक पार्टिकल है, जिस जगह हीट किया वहां से इजेक्ट कर दिया ना। ये प्रूफ करता है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है पार्टिकल नेचर का। इसको और अच्छे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, फिलहाल तो हम ऐसे ही मन हुआ बता दिए, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ये चीजें, इसको मिटाओ आप। ओके, हम तो लगता है कि खत्म ही कर रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो एक्सपेरिमेंट में भी नहीं पढ़ा है और ऐसे भी बता रहे हैं। ओके, तो ये फोटॉन्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप जो लिनास और हर्ज ने दिया था, उस सेटअप को तैयार करने जा रहे हैं, मतलब लिनास एंड हर्ज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, आइंस्टाइन का नहीं, लिनास एंड हर्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे उनका एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लिनास एंड हर्ज ने, उस सेटअप को तैयार करने जा रहे हैं। सेटअप को ध्यान से देखिए कैसे तैयार करते हैं हम, ठीक ना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि एकदम से ध्यान से देखना है एक्सपेरिमेंट। इसको कहा जाता है क्या नाम, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम हैडिंग डाल लेते हैं बच्चों अपना, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इसको दिया था लिनार्ड एंड हर्ज ने दिया था, और ऑलमोस्ट 1900 में दिया था, ठीक है। इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमको बताएगा कि कैसे पार्टिकल, ठीक है, ये चीज हमको ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखने वाले हैं जो लिनास एंड हर्ज साहब ने किया था। सबसे पहले हम सेटअप ड्रॉ करेंगे, ठीक बच्चों। तो सेटअप ड्रॉ करते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले हम इस तरह का लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक एक्चुअली हम जो है एक इवैक्यूएटेड ट्यूब बनाने जा रहे हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब जिसमें कोई चीज अंदर कोई गैस नहीं हो,
ठीक है। तो इस तरह से लाइन खींचते हैं, इसमें दो प्लेट होता है, एक यहां पे प्लेट हम डालते हैं ठीक है, एक इस तरफ और एक बच्चों इस तरफ हम प्लेट डालते हैं। ये दो प्लेट डालते हैं दोनों साइड, इसको ये मेटल है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसको ऐसे एक वायर से हम लोग अटैच करते हैं और यहां पे हम लोग बैटरी लगाते हैं बच्चों, बैटरी ठीक है, और इसको भी हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं। ये है वोल्टेज डिवाइडर, ये है वोल्टेज रियोस्टैट कहते हैं इसे, और ये काम करता है वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। और यहाँ पे ना एक एमीटर लगा देते हैं, क्योंकि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और यहाँ पे जॉकी के साथ इसे अटैच कर देते हैं, और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और इसका वोल्टेज, और वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं ठीक ना। और ये सेटअप हो गया, ठीक है, ये सेटअप हो गया। इसको कहते हैं कैथोड, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम जितना अच्छा बनाओगे ना मजा उतना ही आएगा। श्योर मजा उतना आएगा, मतलब कि एग्जाम में जो है ना मार्क्स उतना आएगा जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं बनाने का, क्योंकि वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना। तो ये हो गया, और इसको यहां पे ये हो गया फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, और ये हो गया विंडो, ये हो गया विंडो। इस विंडो का एक खासियत है, ये जो है विंडो, इसका एक खासियत है, इसमें जो ये लगा हुआ रहता है ना, ये यहां पे विंडो में एक ग्लास लगा होता है स्लाइडर, ठीक है, ये विंडो है, विंडो उसे कलर से देखते हैं सारी चीजें। ये विंडो है, ये है फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, फोटो अभी बताया था ना, फोटो सेंसिटिव पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, फोटो सेंसिटिव समझना, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट, मेटल प्लेट, यह फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट ठीक है बच्चों, ओके। और यह है, इसको कहते हैं रियोस्टैट या वोल्टेज डिवाइडर रियोस्टैट मतलब रेसिस्टेंस। अगर मान लो वोल्टेज को हमको बढ़ाना हो तो इसको इसके वोल्टेज के नजदीक ला देते हैं,
तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, घटाना हो तो इसको और इधर ले आते हैं तो वोल्टेज घट जाता है, ड्रॉप हो जाता है, रेजिस्टेंस है ड्रॉप कर देता है वोल्टेज, और रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ रख दे जॉकी तो इधर लाइट ही नहीं आ पाएगा, यहीं से कनेक्ट होके पहुंच जाएगा, इसलिए वोल्टेज ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं बच्चों कैथोड, इसको कहते हैं कैथोड या इमीटर, कैथोड या इमीटर, इमीटर भी कहा जाता है। इसको कहते हैं बच्चों एनोड, एनोड क्या, एनोड या कलेक्टर, ये कलेक्टर भी कहा जाता है, ठीक ना। और ये है एमीटर, एमीटर क्या है, एमीटर क्या है बच्चों, एमीटर है जो ऐसा डिवाइस जो करंट के, करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये विंडो है, विंडो में यहाँ पे स्लाइडर लगा रहता है। ठीक है, स्लाइडर का काम क्या है, स्लाइडर का काम है बच्चों कि स्लाइडर का काम समझो, स्लाइडर का काम ये है। ठीक है, ये स्लाइडर इसके ऊपर लगा रहता है, ऐसे स्लाइडर इसके ऊपर लगा रहता है और ये ऐसे ऐसे करते हैं। अगर यहाँ पे लाइट ज़्यादा इंसिडेंट करवाना है तो इस स्लाइडर को पूरा खोल देते हैं, अगर कम करना है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक ही चीज़ को बार बार करना अलग अलग तरीके से, एक्सपेरिमेंट मतलब, एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या करना, एक्सपेरिमेंट मतलब करना होता है एक ही चीज़ों को कई बार रिपीट करना ना। तो स्लाइडर लगा रहता है, थोड़ा कम करिए, इंटेंसिटी को बढ़ाते घटाते हैं, ठीक ना, इंटेंस स्लाइडर से क्या करते हैं, इंटेंसिटी को हम बढ़ाते घटाते हैं, मतलब इसके थ्रू जो इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रे का जो रेडिएशन आएगा इसमें, उस चीज को, उसके इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने के लिए हम इस स्लाइडर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज अलग अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, ओके, तो कहां रख दिए यार, तो वो चीज हम करने वाले हैं, और हम स्लाइडर को यूज करते हैं, स्लाइडर यहां पे स्लाइडर होता है। ठीक है, आप समझ जाएंगे, विंडो है, स्लाइडर होता है, क्लोजर होता है। ठीक है, अब इंसिडेंट रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं, ये इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट इंसिडेंट, समझ आए, ये रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, एकदम से खूबसूरत पिक्चर बनाना है, खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये, लीनास एंड हर्स का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब यहां पे कैसे लिखें कि ये रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रे है, आप लिख पाएंगे क्या, तो हम इसको ना ऐसे करते हैं, ऐसे आप समझ जाइएगा, इंसिडेंट ऑफ, इंसिडेंट नहीं, रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ, छोटा सा जगह कम पड़ने के कारण रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये रेडिएशन इंटेंसिटी है या और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या रे, रेडिएशन लिखते हैं ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो विंडो में स्लाइडर लगा होगा वो उसको बढ़ाएंगे घटाने पर इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट रेडिएशन का वो मैनेज होता है। अगर यहां पे इस फोटो प्लेट पर पड़ने वाला रेडिएशन का, इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी इंक्रीज करना हो तो इस विंडो को हम ज्यादा ओपन करेंगे, बोलो ना, हाँ, और यहां पर आने वाला इंटेंसिटी को हम चाहते हैं कि कम इंटेंसिटी आए तो इस स्लाइडर को, इस विंडो को क्लोज कर देंगे। अगर जीरो आए तो पूरा क्लोज कर देते हैं, हम चाहते हैं कुछ कुछ आए क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस विंडो को स्लाइड करते रहेंगे और इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी को हम मैनेज करेंगे इस विंडो से, और फिर देखेंगे कि क्या असर पड़ता है हमारे इस एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों ये सेटअप बनके तैयार हुआ, लिनास एंड हर्स का ये सेटअप बनके तैयार हुआ,
और विंडो को ओपन किया, विंडो को ओपन किया, तो मतलब यूं मानो कि अचानक से खुश हो गया लिनार्ड एनहर्स, प्रसन्न हो गया। अब होता भी क्यों नहीं, इतिहास में नाम हो गया था उनका। देखो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही विंडो को ओपन किया, इस एमीटर में, एमीटर कुछ इस तरह से होता है और यहां पे रीडिंग होती है इनकी। अरे देखे भी होगे तुम कहीं इलेक्ट्रिक के दुकान में, यहां पे एक जॉकी रहता है, ये होता है जीरो, ये एक जॉकी होता है, जॉकी मतलब होता है इस तरह से तीर बना हुआ, जैसे ये भी जॉकी कहते हैं इसको। तो उन्होंने क्या देखा, जॉकी में डिफ्लेक्शन आ गया, जॉकी ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे 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 करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा। जैसे विंडो को ओपन किया ना, यहां पे जो जॉकी था एमीटर में लगा हुआ, वो ऐसे ऐसे करने लगा। अरे यार हद है, अचानक से कैसे, अचानक से इसमें ये जॉकी डिफ्लेक्ट क्यों होने लगा, इस विंडो को जैसे थ्रू क्लोज कर दिया। लिनार्ड एनहर्स ने इस विंडो को क्लोज कर दिया, जॉकी रुक गया। फिर ओपन किया, फिर जॉकी ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे 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 ऐसे। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने मतलब कई बार किया, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई बार किया, और फिर उन्होंने पाया कि इसका मतलब ये है जब विंडो ओपन करते हैं तो सर्किट में ये डिफ्लेक्ट कर रहा है एमीटर का जॉकी, मतलब यहां पे करंट आया है, और ये करंट तब क्यों नहीं आया जब इसका विंडो बंद था, इसका मतलब है कि सर्किट को पूरा नहीं किया है, और जैसे ही इसको ओपन किए ये सर्किट यहां से लेकर यहां तक पूरा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रेडिएशन इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी का रेडिएशन जब इंसिडेंट होता है तो यहां से ना इस मेटल सरफेस से ना इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। उन्होंने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन का यहां से इजेक्शन होता है, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। देखो पॉजिटिव, यार तो खुद गलत कर दिए यहां पे, ये देखो ऐसे हो गई, ऐसे, हां, चूंकि ये एनोड है, पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचता है, और ये कैथोड है, इसलिए ये इमीटर है इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, इमीटर है। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों खतरनाक, ये यहां से कैथोड से निकल कर एनोड पर पहुंचता है, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस पहुंच रहा है जब ये सर्किट क्या पूरा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मकसद है नेगेटिव प्लेट से निकलना, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे जनरेट हुआ, तो ये इंसिडेंट रे के वजह से जनरेट हुआ, मतलब इंसिडेंट रे में क्या है, फोटोन है, इंसिडेंट रे में क्या है, फोटोन है, तो फोटोन्स के लगातार गिरने को हम बॉम्बार्डमेंट नाम देते हैं। क्या बॉम्बार्डमेंट, बम मारो है, तो बम मारो मतलब ये जो बॉम्बार्डमेंट है फोटोन्स का लगातार, क्योंकि फोटोन्स क्या बोले थे, फोटोन्स क्या होता है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, तो बार बार मार रहे हैं वही कलर, होली का कलर यार हिंदी में लिखे थे, बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं बार बार, तो वो आ रहा है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज, और चार्ज जब मूव करता है तो क्या आता है सर्किट में, करंट, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक करंट किसके आया है, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये करंट जो आया सर्किट में, डायरेक्शन क्या होगा करंट का, इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन तो इसके ऑपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो करंट है अब ये फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है, बोलो ना, हाँ फोटोन्स के वजह से जनरेट हुआ ये इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये करंट जो है फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है, इसलिए इस करंट को कहेंगे फोटो करंट, क्या फोटो करंट, और रिप्रेजेंट करेंगे आईपीसी, ये क्या है, ये है फोटो
फोटो करंट। ठीक है बच्चों, तो इस सेटअप को जो है ना, क्योंकि लेक्चर का टाइम हमको लगता है कि ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो एक चीज हम देख लेते हैं, ठीक ना, इंटेंसिटी का करंट के साथ रिलेशन। तो होप कि आपने ये चीज नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना, लिनास एंड हर्ज ने इस एक्सपेरिमेंट है तो कई चीजों के बारे में जानना होता है कि किस चीज का क्या इफेक्ट है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सेटअप में, ठीक है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सेटअप में हम लोग कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ एकाध चीजें हैं जिनके बारे में हम रिलेशन पढ़ेंगे और उनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे क्या क्या इफेक्ट है। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट, कहां लिखे, यहां लिखते हैं, इसे नीचे लिखना है, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी स्टडी सम फ्यू इफेक्ट कुछ एका इफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। वो क्या क्या है नीचे दिख रहा है क्या, वो क्या क्या है, तो वो क्या क्या है हम लिखते हैं यहां से लेकर यहां आके, ठीक है। वो फ्यू इफेक्ट्स जो है वो क्या क्या है उस चीज के बारे में हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट का हम डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इस एक्सपेरिमेंट से हम डिस्कस करने वाले हैं, तीन डिस्कस करने वाले हैं, पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, दूसरा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज जो डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल वर्ड बच्चे को घबरा देता है, ठीक है। अब इसी पोटेंशियल को हम अगर कहेंगे वोल्टेज तो बच्चा समझ जाएगा, घबराएगा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, ये पोटेंशियल है या वोल्टेज है, ये वाला बैटरी, इसका इफेक्ट, इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, देखो क्या क्या बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। एक बार जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तब देखेंगे कि फोटो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया है तो सब चीज का जानकारी देगा वो, तभी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सब चीज का असर सब पे। तो पहला देखिएगा, इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने पर आईवी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम जानेंगे जो लिनास एंड हर्ज ने दिया। फिर उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेट का फ्रीक्वेंसी को बदला और देखा कि आईपी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर तीसरा पोटेंशियल, इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे और इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये अप्लाइड जो बैटरी है हमारा वोल्टेज है, इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तब जब देखेंगे कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो सब चीज के बारे में ना थोड़ा थोड़ा, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे देखेंगे उस पर क्या असर है, उसको घटाएंगे देखेंगे, यही सब करेंगे और क्या, हम तो फालतू हम साइंटिस्ट है पागल है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों, देखो चीजों को समझना है एकदम से ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये डायग्राम बनाएंगे, आपका तो एक कॉपी में है, आप कर सकते हैं, मेरा तो बनाना होगा, ठीक है, खूबसूरत सा बना है, अच्छा लगता है ना बच्चों, तो जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है, ओके, हाँ ये, थैंक यू, बाय।